अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद ईशान सिद्दीकी एंड लेट्स वी डिस्कस द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्टली वी डिस्कस इन दिस वीडियो एटम। सो वी ऑलरेडी डिस्कस द इन प्रीवियस वीडियो मैटर। So atom is the smallest part of matter. So what is matter? Everything exists on the earth that have mass and occupy space is called matter. So the smallest part of matter is called atom. Smallest part. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट कर लो या स्मॉलेस्ट पार्टिकल कर लो एटम को ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर में अगर हम सिर्फ 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो हम इसको तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, तीन इसके पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं एटम को। तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। ओके, सो if we talk about atom, so atom have a nucleus and shell. This is the nucleus, and this is the shell. Now we discuss the electron and proton and neutrons. So the inner part of the atom, proton and neutron are filled in the nucleus. Proton और neutron जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसका जीरो चार्ज होता है, वो रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस हमारे पास मिड ऑफ द एटम होता है। ठीक है, मिडिल पार्ट में होता है एटम के। अगर आप 9th स्टैंडर्ड की पूछना चाहते हैं केमिस्ट्री, तो उसमें हमें ये तीन पार्ट दिखाते हैं एटम के। आगे फिर हम इसको मजीद और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं एटम के, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियॉन। सही है, तो अब हमने इन दोनों का डिस्कस कर लिया कि ये दोनों हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एक चीज और, जो इलेक्ट्रॉन जो शेल्स के अंदर हमारे पास होती है, जो ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास होती है, ठीक है, शेल्स और ऑर्बिट भी कह सकते हैं इसको ना, ऑर्बिट। अच्छा, अब जब हमारे पास इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अब बात को समझने वाली है कि प्रोटॉन के पास होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमारे पास कहलाएगा न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल
न्यूट्रल एटम, बट अगर हमारे पास इन दोनों में से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तादाद में कुछ फर्क आता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इज इक्वल टू नहीं होते, इज नॉट इक्वल टू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बड़ी है या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास चेंज नहीं हो सकते। प्रोटॉन क्यों चेंज नहीं हो सकते, प्रोटॉन एक एटम की, किसी भी एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। देखते हैं जरा, प्रोटॉन चेंज होता है तो क्या होता है, प्रोटॉन हमारे पास डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस में चेंज होता है, तो वो अभी आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, एटम बताते हैं। अच्छा, एटम आप लोगों ने समझ लिया, अब बात करते हैं आयंस। द बिग डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम या ज्यादा हो तो वो हमारे पास आयंस बन जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाए प्रोटॉन नंबर से या फिर कम हो जाए प्रोटॉन नंबर से, ठीक है, तो हमारे पास आयंस बन जाते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है। अच्छा, दो चीजें हमें समझ में आ गई यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर, एक एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है, एटम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज रखता है। जब हमारे पास दोनों की तादाद सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो, तो वो हम कहलाते हैं, वो कहलाता है न्यूट्रल एटम। बट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन और लेस देन प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, अगर ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले में, या फिर कम हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले में, तो फिर हमें हमारे पास जो बनता है वो बनता है आयंस, आयंस फिर हमारे पास क्रिएट होता है। अब बात आती है मॉलिक्यूल की, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एटम को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, आयंस को भी हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, अब बात आती है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूल हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम को मिलाने के बाद बनता है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, कंबाइन टूगेदर, सही है, मतलब कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अच्छा, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। एटम मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, जब वो छोटा पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड, तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा प्रोटॉन से या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम होगी तो हमारे पास वो बनेंगे आयंस,
अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इन एटम्स को मिलाने के बाद जो कुछ भी बनेगा वो मॉलिक्यूल्स बनेगा, दो या दो से थोड़ा ज्यादा बने मिले, ठीक है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एक एटम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के दूसरे एटम से, तो हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएगा मॉलिक्यूल, सही है। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की तमाम क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। जब तक के लिए अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।